एक घर के बाहर रखी फसल में अचानक आग लग जाने से सारी फसल जलकर हुई खाक व चार जानवरों की भी हुई दर्दनाक मौत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर अचानक ही घर के बाहर खलिहान में रखी सरसों की फसल में आग लग जाने से सारी फसल के साथ साथ घर के बाहर रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, वहीं पर चार भैंसों की आग में जलने से मौत हो गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्राम पंचायत कुचौली तहसील बबेरू जनपद बांदा का है, जहां पर घर के बाहर रखी खेतों की फसल में आग लग जाने से रखी चना और लाही की फसल सहित अन्य सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ घरवालों को बचाने में लगे रहे गृहस्वामी ने सबको सुरक्षित बचा लिए, लेकिन अपनी बंधी हुई भैंसों को नहीं बचा सके, जिस कारण आग में जलने से चार भैंसों जिसमें दो भैंस एक पड़वा एवं एक अन्य की मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य राजा विश्वकर्मा, पहुंचकर मौके का जायजा लिया गया एवं सरकारी तौर पर मुआवजा दिलाने की बात कही गई। वहीं पर उपस्थित ग्राम प्रधान ने भी यही बताया कि काफी सारा सामान जलकर खाक हो गया और जानवरों की मृत्यु भी हो गई है और लेखपाल के माध्यम से सरकारी लाभ प्रदान कराने का आश्वासन दिलाया गया। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गया प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम कुचौली। क्या घटना हुई है आपके घर में? यहाँ पे सर 1:30 बजे करीब मैं नहा खा करके अपने खेत के 10 कदम उधर गया। जब उधर से मेरी लड़की खाना लेकर आई तो बोली पापा खाना खा लो, तो मैं कहा चाची खाना दे चुकी है, मैं खा चुकी हूँ। तो हम कहा सुपारी का मेरा बैग हो दे दो। जब मैं इधर बैग लेकर के उधर से चला तो इधर देखा तो आग लगी थी, तो मैंने घर वालों को अपने लड़के बच्चे जो लहुरी और बहन भी मेरे थी भांजे भी थे उनको निकाला। घर से निकालने के बाद आग भयानक पकड़ लिया। हम बुझा रहे थे, आग नहीं बुझी है। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे की घटना है। कब की घटना है? ये 29 तारीख की 29 तारीख की घटना है। क्या आग कैसे लगी, कुछ कारण पता लगा? आग का कोई पता नहीं चल रहा कि कैसे लगी। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है आग से? आग से नुकसान हुआ है 4 बीघे की लाही और 6 बीघे का चना। अच्छा, तो आग क्या आग लगने का कुछ कारण स्पष्ट नहीं हो? कहाँ से आग लगी आपको? मकान में लगी या अनाज में लगी, कहाँ से लगी? लाही से लगी है। अच्छा, लाही की फसल यहीं पे रखी हुई है? यहीं पे रखी थी। अच्छा, कितने बीघे की फसल थी आपकी? 4 बीघे की लाही 6 बीघे का चना। सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया। और क्या क्या नुकसान हुआ? 16 हस्ती के पाइप जल गए हैं और 1-2 चारपाई। और किसी प्रकार का कोई जान माल का खतरा तो नहीं हुआ? जान माल का खतरा हुआ, एक भैंस। अच्छा, 6 महीने की गर्भवती थी, वो जल करके यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और 2 वर्ष की एक वासर थी, वो जल गई है। एक 8 महीने का पड़वा था, वो जल करके मर गया है। टोटल कितने पशुओं की मौत हुई है? कुल अब गर्भवती को लेकर के 4 पशुओं की। जगह में मृत्यु हो गई है? नहीं, दो, एक एक की जगह में, डांगर की जगह में हो गई है। फिर भैंस को ढील करके एक वृक्ष के नीचे खड़े करे, 1 घंटे के बाद भैंस भी मर गई है। तो क्या आप अच्छा, तो डॉक्टर को नहीं सूचित किया उस दौरान? डॉक्टर को सूचित किया, डॉक्टर आए हैं, दवा ववा करके फिर चले गए। अच्छा, तो इसके बाद भैंस खत्म हुई? इसके बाद भैंस खत्म हो गई, 2 दिन के बाद वासर खत्म हो गई। यानी जितने भी जानवर झुलस गए थे सारे खत्म हो गए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गया प्रसाद। गया प्रसाद, तो ये बताया आपने हल्का लेखपाल को सूचित किया या नहीं? जी किया है। कौन सा लेखपाल लगता है आपका, बबेरू या राजापुर? नाम तो नहीं बता सकता कि याद नहीं है, मैंने दोनों हल्के के लेखपाल आए थे। अच्छा, बबेरू हल्का और राजापुर हल्का से। क्या आश्वासन दिया लेखपाल साहब ने, क्या कहा आपको? लेखपाल साहब बोले कि जो हो सकेगा हम आपको सब मुआवजे दिलाएंगे। अच्छा, तो कार्रवाई की गई है? जी हाँ, की गई। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम महोदय? मेरा नाम है शेष नारायण शुक्ला। किस पद पर हैं आप? प्रधान पद। प्रधान जी, ये आपकी ग्राम पंचायत? जी। आपकी ग्राम पंचायत में एक आग की घटना हुई थी, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या नुकसान हुआ इन व्यक्तियों? इनका लगभग 6 बीघे का चना का नुकसान हुआ है, जल गया है, और 4 बीघे लाही। 4 बीघे लाही? 4 बीघे की लाही जल गई। और भैंस वगैरह? भैंस, 3 भैंसें, एक वासर, एक पड़वा और एक भैंस, वो मर गए। अच्छा अच्छा, तो इनकी प्रशासन से मदद के लिए? हाँ हाँ, लेखपाल साहब से कहे हैं, आए थे, दोनों तरफ के लेखपाल साहब आए हैं, चित्रकूट के, बबेरू के भी, दोनों कहे हैं, ऐसा वो नहीं है कि हम पूरी मदद करेंगे।